हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए, एक 90 रुपीज़ का डेट फ्री शेयर है। अब माला माल कर सकता है, इसका मतलब ये है कि काफ़ी पोटेंशियल है इस शेयर में। काफ़ी पोटेंशियल मतलब बहुत ज़बरदस्त शेयर मैं इसको कहूँगा। डेट फ्री है, बहुत बढ़िया सेल्स ग्रोथ है और आने वाले टाइम में अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है ये शेयर। ऐसी कैपेबिलिटी इस शेयर के अंदर है। चलिए जानते हैं शेयर को फंडामेंटली, टेक्निकली, और क्या कुछ लेटेस्ट न्यूज़ क्या चल रही है इस शेयर में, उसको भी जानते हैं इस छोटे से वीडियो में। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप नए व्यूअर हैं या फिर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। तो ये देखिए, मैं लेके चलता हूँ आपको सीधे शेयर पे। शेयर कोई और नहीं, BEL मतलब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। कंपनी का नाम आपने सुना होगा, गवर्नमेंट कंपनी ज़रूर है, हर तरीके से बेहतरीन परफॉर्मेंस। ऐसी बहुत कम गवर्नमेंट कंपनीज हैं जो इतने बढ़िया ग्रोथ कर रही हैं। देखिए, मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़, करंट प्राइस 90 रुपया। अगर आप 52 वीक हाई देखा जाए तो 160 रुपये से गिर के अभी 80 रुपये तक चली गई थी। बुक वैल्यू 36, पी रेशियो 11, अंडर वैल्यूड शेयर में इसको कहूँगा। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 25%, रिटर्न ऑन इक्विटी 18%, सेल्स ग्रोथ। नाउ दिस इज द मेन थिंग यू हैव टू चेक इन दिस स्टॉक। सेल्स ग्रोथ इज 15% ऑलमोस्ट, दिस इज अ वेरी गुड थिंग। एंड द अनदर गुड थिंग इज डेट 66 करोड़, ना के बराबर मैं डेट कहूँगा इसको, क्योंकि 20,000 करोड़ के पार मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो ये दोनों चीज़ें बहुत ही बेहतरीन है। अब इस शेयर में खास बात क्या है, ये शेयर देखिए, ये कंपनी जो है ये इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया की मेजर कंपनी, और खास करके गवर्नमेंट, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की बात करो, टैंक इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक ऑप्टिक्स की बात करो, प्रोफेशनल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की बात करो, तो डिफेंस सेगमेंट के लिए तो बहुत ज़बरदस्त। रडार आज की डेट में आप देख रहे हो, बिल्कुल वॉर काइंड ऑफ सिचुएशन है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो ऐसे टाइम पे क्या, देखिए, रडार, नेवल सिस्टम्स, सीफोराइज सिस्टम्स, वेपन सिस्टम, होमलैंड सिक्योरिटी, तो भाई सारा कुछ बेल बनाता है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, सब कुछ ये बेल बनाता है। आप खुद देखिए, चलिए ये सब तो ठीक है, अभी लेटेस्ट क्या चल रहा है वो देखिए। सबसे पहले मैं आपको देता हूँ गुड न्यूज़, HDFC सिक्योरिटीज एक जो है, एक जो इसने एक बाई कॉल दी है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को, BEL को, और 101 का टारगेट प्राइस दिया है। तो देखिए 90 रुपये पे तो अभी ट्रेड कर रहा है, और 101 पे टारगेट प्राइस दिया तो कभी भी उछल सकता है, और टेक्निकल लेवल्स भी यही कह रहे हैं। अब दूसरी न्यूज़ देखिए, अभी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने एक लॉन्च किया ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन गेटिंग सिस्टम। तो ये अभी जब नरेंद्र मोदी जी अहमदाबाद गए थे, जो उन्होंने अहमदाबाद मेट्रो का फेज 1 का इनॉग्रेशन किया था, तो देखिए वहाँ पे स्वागत क्या है, स्वागत द ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन गेटिंग सिस्टम है। किसने मिलके बनाया है ये, देखिए, ये बेल एंड सी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDEC, तो इन लोगों ने मिलके बनाया है विद द सपोर्ट ऑफ दिल्ली मेट्रो रेल, DMRC, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन, NPCI एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इन सब ने मिलके ये चीज़ बनाई है। तो बढ़िया भाई, स्वागत, अच्छी चीज़ है ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम। अब हम देखते हैं इसके फंडामेंटल्स, हमने देख लिए, लेटेस्ट न्यूज़ देख ली, टेक्निकल डिटेल्स देखते हैं। तो ये शेयर अगर आप 2014 में जब भी ये सरकार में आई थी NDA गवर्नमेंट, तो उसके बाद शेयर ने 28 रुपये का शेयर आपको 190 रुपये पर चला गया था 3 से 3.5 सालों के अंदर। मतलब कितना रिटर्न दिया आपको भाई, कितना, मतलब कि 7-8 गुना रिटर्न इतने कम टाइम में। उसके बाद शेयर में गिरावट आई, और अभी ये शेयर देखिए 90 कितना अराउंड 75 के अराउंड गया था। अब देखिए, अब मैं आपको दिखाता हूँ एक सिमेट्री, अगर आप देखें, देखिए इस चीज़ को समझिए ज़रूर, इस सिमेट्री को समझिए, ये आपके काम की सिमेट्री है। जब पिछली बार इसमें देखिए एक ट्रिपल बॉटम कहते हैं, देखिए ट्रिपल बॉटम ऑलमोस्ट, ये थोड़ा सा ऊपर है ज़रूर, देखिए ये ट्रिपल बॉटम पिछली बार जब बनाया था टेक्निकल टर्म में, वहाँ से देखिए शेयर में ज़बरदस्त उछाल आया था। इस बार भी ऑलमोस्ट सेम चीज़, एक बॉटम, दो बॉटम, थोड़ा सा नीचे जरूर है, ट्रिपल बॉटम, ये ट्रिपल बॉटम बनाया है, और शेयर में उछाल की बहुत बढ़िया उम्मीद देखने को मिल रही है। अब दूसरी चीज़ मैं और आपको दिखाता हूँ, एक जो डाउन ट्रेंड था, बिल्कुल डाउन ट्रेंड चल रहा था, इसने, इसका ये डर था कि इस लाइन को एक बार पार कर दें, जो इस लाइन को इसने पार किया, यानी कि 80 का लेवल पार किया, वहाँ पे एक पॉजिटिव एटीट्यूड आ चुका था शेयर में, और बहुत बढ़िया। अगर पिछले एक महीने का मैं आपको डाटा दिखाऊं, तो देखिए पिछले एक महीने में ज़बरदस्त 72 रुपये से ऑलरेडी 90 रुपये तक जा चुका है शेयर में, कितना उछाल आ चुका है खुद देखिए, 72 रुपये से 90 रुपये तक जाना, मतलब ऑलमोस्ट
20 से 30% के बीच में ऑलरेडी उछल चुका है शेयर, और आने वाले टाइम में और जंप इसमें बिल्कुल पोटेंशियल है। तो देखिए, आपने सारी चीज़ें देखी BEL की, न्यूज, फंडामेंटल, टेक्निकल, तो आपको समझ में आया होगा शेयर के बारे में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसे इंटरेस्टिंग न्यूज, बायबैक, बोनस, डिविडेंड और भी डिटेल्स में आपके लिए, फंडामेंटल, टेक्निकल, सारी डिटेल्स शेयर के बारे में आपके लिए लेके आता रहता हूँ इस चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियोज़ को। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।